नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, हिडन एजेंडा क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। बड़ी खबरों की बात करेंगे जिस पर चर्चा जरूरी है। उस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। भारत को लेकर विदेशी मीडिया में झूठ फैलाने की साजिश पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कड़ा प्रहार किया गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर हम बात करेंगे अगले एक घंटे में। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सियासत की भी बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेताओं ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग आखिर क्यों की है। बात दिल्ली के सियासत की भी होगी, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा इस वर्ष का बजट वुमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को देगा नई गति। पीएम ने कहा इस बार के G20 बैठकों में इसको दी गई है विशेष जगह। भारत को लेकर विदेशी मीडिया के झूठ फैलाने की साजिश पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कड़ा बयान। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख को शरारती और काल्पनिक बताया। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव के करीबियों पर दिल्ली और पटना में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। पटना में लालू के करीबी आरजेडी विधायक अबू दोजाना के घर ईडी की रेड। शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की अदालत में पेशी आज। ईडी करेगी रिमांड पर लेने की कोशिश। सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी दिल्ली की अदालत में होगी सुनवाई। और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेताओं ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों के तैनाती की मांग की। लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को राज्य पुलिस पर नहीं है भरोसा। पुलिस प्रशासन पर हाईकोर्ट ने भी कई बार उठाए हैं सवाल। और इस वक्त में सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आखिर क्या कुछ। अरे बताओगे यार, मुझे बताओ। थैंक यू, नमस्कार। और ये एमईए की पीसी आपको लाइव लिए चलते हैं। मीडिया फॉर दिस स्पेशल ब्रीफिंग ऑन दी ongoing state visit of His Excellency Mr. Anthony Albanese, the Honorable Prime Minister of Australia. The Australian delegation, in addition to the cabinet ministers and senior officials of Honorable Prime Minister Albanese, also includes top CEOs of the Australian companies. This is Prime Minister Albanese's first official visit to India since assuming office in May last year, but his third official interaction with Prime Minister Modi. They have both met once in Tokyo last year on the sidelines of the Quad summit, and more recently in Bali, a summit of the G20. Prime Minister Albanese's three-day, three-city visit to India underlines his enthusiasm and commitment to India-Australia ties. It is also the first annual summit between India and Australia at the level of the leaders. The summit mechanism itself was established as an outcome of the second virtual summit that was held in March last year. Prime Minister Albanese arrived in Ahmedabad on 8th of March, on the day of Holi, visited Sabarmati Ashram, then attended a Holi festivity filled welcome reception at the residence of Honorable Governor of Gujarat, which was organized in his honor. In the evening, Prime Minister Albanese also attended an education event marking India-Australia cooperation in this field through ongoing discussions
in particular leading to the establishment of campus of Australian universities at the GIFT City in Gujarat. This particular event on 8th evening focused on establishment of campus of Deakin University of Australia in Gujarat. Next morning on 9th, Prime Minister Shri Narendra Modi joined Prime Minister Albanese at the opening day of the fourth and final Border Gavaskar test match at Ahmedabad. Still ongoing, we are in day 2 of the test match. Prime Minister Albanese thereafter left for Mumbai, where he had three principal engagements. The first one, India-Australia CEO Forum, that was held on 10th morning in Mumbai, which was addressed both by Commerce and Industry Minister Shri Piyush Goyalji and Australian Trade Minister Don Farrell. In the afternoon of the 10th, Prime Minister Albanese visited the Western Naval Command headquarters in Mumbai, wherein the Indian defence industry at the Indian Naval Station, Kunjali, was showcased to him. Prime Minister Albanese was particularly appreciative of his visit to INS Vikrant. We are told the first foreign leader to do so since the first indigenously built aircraft carrier was commissioned last September. Today was the official program of the state visit. Began with the ceremonial reception at the forecourt at the Rashtrapati Bhavan, followed by a visit to Rajghat, which was then followed by the first India-Australia annual summit between Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Prime Minister Albanese, during which they discussed the entire range of our bilateral relations, as also discussed issues of regional and global importance that are of mutual interest. Several bilateral documents, four of them to be specific, were exchanged. Prime Minister Modi also hosted a banquet lunch in honor of the visiting dignitary. Earlier during the day, prior to the commencement of official discussions, External Affairs Minister Dr. Jaishankar called on Prime Minister Albanese at his hotel. In a little while from now, the Honorable Prime Minister of Australia would also be calling on the Honorable Rashtrapati ji this afternoon. In terms of brief highlights of discussions and the conversation that took place between the two leaders, as also the outcome documents that were exchanged, I would just very briefly summarize them in 5-6 key bullet points. First of all, both leaders assessed very clearly and noted with great satisfaction the strong all-round progress across the range of areas, including science and technology, strategic and security domain, renewable energy, partnership in critical minerals, trade and economic engagement, the entire, the full set of progress, comprehensive progress that the two countries have achieved since the relationship was upgraded to the Comprehensive Strategic Partnership in 2020. Second, the intensity of political exchanges. As I mentioned, although this was the first annual summit between India and Australia at the level of the two prime ministers, the two prime ministers have already met since Prime Minister Albanese assumed charge in May last year three times. We have had in last year alone at least 18 ministerial level exchanges between the two countries and innumerable official level exchanges to pursue and progress various elements of bilateral cooperation. Three, economic exchanges. I would only list four or five of them which have been very significant achievements since the last year. One is the comprehensive economic
the Economic Cooperation and Trade Agreement, which is ECTA, which is really expected to bring about significant changes to the nature and extent of our bilateral trade cooperation. Second is the ongoing discussions and negotiations on the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, SECA. Three, significant progress in the discussions on Migration and Mobility Partnership Agreement. Fourth, multiple ways, including in particular through ECTA, especially since its ratification in December last year, to advance our trade and investment partnership. And fifthly, the CEO Forum. As I mentioned to you, that the meeting of the CEO Forum took place in Mumbai on the 9th morning, which was addressed by the two ministers. The leaders in their discussion also appreciated the considerable progress that has taken place in the field of defense and security cooperation between the two countries. In this context, Prime Minister Modi encouraged the Honorable Prime Minister of Australia to avail of the full range of opportunities that are available in India, deriving out of Make in India initiatives and Atmanirbhar Bharat program for defense manufacturing. Both Prime Ministers particularly welcomed the first batch of officers participating currently from both countries in New Delhi in the operationalization of General Rawat Officers Exchange Program, which was announced during the last virtual summit of March 22 and got started earlier this month. Diaspora and contributions of diaspora, issues relating to Indian diaspora in Australia, also came up for discussions between the two Prime Minister. Of significance in our people-to-people ties were also the discussions on disturbances created by pro-Khalistani outfits in Australia. Prime Minister Modi expressed strong concern on the incidents of vandalism and violence targeting the Indian community and temples in Australia. You must have all heard him say so in his press remarks just a short while ago. Prime Minister Albanese assured Prime Minister Modi that his government has deep understanding and appreciation of India's concern and will be taking all necessary measures to ensure that peace and harmony prevails in their society. In terms of the outcome documents, after the discussions concluded, four documents were exchanged in presence of the two Prime Minister. First, on audiovisual cooperation. Second, MOU on cooperation in sports. Third, cooperation between Atal Innovation Mission and Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. And fourth, establishment of two task forces, one on solar task force, and second on green hydrogen. The details of summarized details of these exchanges, as also the other discussions, would also be put out in a little while in the joint statement that the XP would be putting out on its website. An additional significant outcome of cooperation between the two countries, which although was not exchanged today but was concluded a week or 10 days ago, is the understanding and a mechanism agreement on mutual recognition of educational qualifications between the two countries. That would of course open up greater opportunities not just for cooperation in the field of education but also would facilitate the larger objectives related to migration and mobility of skilled personnel.
Prime Minister Modi also invited Australia to join our mission life, lifestyle for the environment. Prime Minister Albanese expressed Australia's strong support for India's G20 presidency and in particular appreciated India's hosting of the Voice of Global South Summit in this context. In return, Prime Minister Modi extended an invitation to Prime Minister Albanese to visit India for G20's Leaders Summit in September. You would know that this invitation has officially been extended some time ago, and in today's discussion was just another opportunity for Honorable Prime Minister to reiterate that invitation and to get another opportunity to welcome Prime Minister Albanese later during the year. The discussions between the two leaders also covered a range of regional and global issues of importance. And in this context, the leaders discussed a strategic convergence and common interest between our two countries, including in the Indo-Pacific region. The overall atmosphere of discussion was extremely positive, productive, and engaging. The leaders were happy with the progress achieved in our multifaceted bilateral cooperation, with engagements and outcomes revolving around sectors of education, energy, sports, defense, innovation, and technology. The visit is a very strong step forward, a successful step forward in advancing India-Australia cooperation and taking them to new higher level. I would stop here, and if there are questions, I'd be very happy to take them. One by one. As always, please introduce yourself and the organization that you represent. We start with Pranay here. Sir, Pranay Upadhyay, AVP News से. प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब जिक्र किया इस चीज का कि मंदिरों के ऊपर जो हमलों की घटनाएं हुई हैं उससे भारतीय दुखी हैं, परेशान हैं, प्रधानमंत्री के इस बात के कहने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया और सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर आप थोड़ा विस्तार से बता सकें. हेलो सर, सिद्धांत मिश्रा फ्रॉम सीएनएन न्यूज 18. Sir, taking a follow-up on Pranay sir's question, you know, there are two major concerns of NRI community in Australia. One is regarding the prosecution of Khalistani terrorists. They still roam scot-free, and in many of the cases, the criminal charges were not slapped on them. A. B. The most important one is the team. So, is government planning to set up a team on the government level for a smooth dialogue as in terms Sorry, of Khalistan. Could you repeat the last part? The most important element is the team. No. Sir, Prime Minister sir mentioned about the teams will be stay in touch. Officials. So the formation of new team is on cards. It's the same question there. Yeah, please. Parul Chandra, I'm an independent journalist. Is it China's increasing belligerence and growing expansionism in the region that is propelling the India-Australia strategic convergence? Okay. Sudeep, one second. Behind you. So, Shudhirandan from Bloomberg. So, you mentioned the two leaders spoke about critical minerals and rare earth. If you could give us some more details on what the discussions were and what the two countries can expect going forward. Last question, one second, before you. Yeah, please. Sir, my question, I'm Mukesh Kaushik from Dainik Bhaskar. Sir, my question is pertaining to Malabar exercise, which is started between India and US, then Japan joined this exercise. Now Australia has announced to host this exercise for the first time. Do you think that the Quad arrangement is now taking a military kind of shape, and how it is going to affect India-China relations, which are already in the tension because of Quad also? Whose relation? Your question was India-China relations or a Quad. One was Quad, militarization of Quad. China has been objecting to Quad. Mm-hmm. So, is it going to aggravate? Will it have an impact on India-China relations? Yeah. Okay. So, I think that's a pretty comprehensive question. Thank you. Thank you very much for those questions. Pranay, jahan tak aapke prashn hai, mandiron pe जो भी वहाँ पर वैंडलिज्म की जो घटनाएं हुई हैं,
उसके प्रति आश्वासन जो प्रधानमंत्री एलबीजी ने दिया, और जो सिद्धांत आपका योर क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दी कंसर्न्स ऑफ दी इंडियन डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया रिलेटिंग टू दी प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज इन ऑस्ट्रेलिया, एक प्रकार से दोनों प्रश्न आपस से जुड़े भी हैं, एक प्रकार से भिन्न भी हैं। देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी का प्रेस रिमार्क्स का वक्तव्य स्पष्ट रूप से सुना। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपनी औपचारिक वार्ता के दौरान उन्होंने जो भी धार्मिक स्थलों पे वैंडलिज्म की घटनाएं टेंपल्स को जो ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं, उसका उसके उससे संबंधित जो भी हमारे विचार और चिंताएं हैं वो प्रधानमंत्री अल्बनीजी को स्पष्ट रूप से व्यक्त करी। जवाब में प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि ऑस्ट्रेलिया के कानून के अंतर्गत वो इसी किसी प्रकार की घटनाओं के प्रति जो भी कानूनी कार्रवाई आवश्यक होगी वो उसको करेंगे। वार्ता के दौरान ये भी स्पष्ट किया गया कि इस तरीके की घटनाएं समाज में सद्भावनाओं को अस्त व्यस्त करती हैं, और इसीलिए समाज में एक व्यवस्था, पीस और हार्मनी के लिए इसका एक संतुलन और ऐसे जो सामाजिक तत्व हैं जो कि इन गतिविधियों में सम्मिलित हैं उनके प्रति कार्रवाई नितांत एक आवश्यकता है। तो ये आश्वासन जो है ऑस्ट्रेलिया की किस तरफ से मिला। ऑन योर स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटिंग टू दी एक्टिविटीज ऑफ दी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, दिस ऑल्सो वॉज ब्रॉट अप एंड प्राइम मिनिस्टर mentioned to the Honorable Prime Minister of Australia that this is something which disrupts the peace and harmony of both our societies, and there is a need to take cognizance of the challenge that this represents. And again on this also, the Australian side, Australian leadership showed appreciation for our sensitization and assured us of suitable response which they would take in this context. They also agreed that the officials on both sides would stay in regular touch with each other between the two systems. Arul Chandra, I think your question was whether increase in India-Australia relationship is derivative of China's increasing belligerence. I just read out to you various elements of cooperation between India and Australia that got covered between the two leaders in their discussions. And you will see there are multiple pillars of positive engagement between India and Australia. I just listed four or five of them here in my opening remarks. As I mentioned, intensity of political exchanges, robust trade and economic partnership, growing defense and security cooperation, people-to-people ties, particularly involving Indian diaspora, large number of Indian students in those countries, and four, of course, increasing convergence on understanding on the need to develop resilient supply chains, reliable supply chains, ensuring smooth and open running of the sea lanes of communication. All these form are important constituents of very comprehensive India-Australia engagement. And naturally, in this cooperation, one of the elements always is the challenges that both our countries face in the maritime domain. And you heard Prime Minister Albanese himself speak in his own press statement
that the maritime domain cooperation is a very important segment of India-Australia cooperation. So I think it is best that we position what India and Australia does do between them as a bilateral ecosystem of engagement and partnership, and frankly not a derivative of what a third country does. With regard to Sudhir, your question on the critical minerals, I'm sure you'd be aware that an MOU on co-investments in critical minerals was signed between Kabil, which is the entity on our side, and CMFO Australia. This was in March last year, and discussions between the two sides have since been ongoing. I would simply underline here that growing cooperation in the entire matrix of critical minerals, based on, of course, the complementarities of the two economies, and what are the strengths on the Australian side, what are our needs in terms of our own requirements. So those discussions, and how do when we reduce those discussions into specific elements of cooperation in the field of critical minerals, they have been progressing based on this MOU which was signed between the Indian entity and its Australian counterpart. Mukesh Kaushik ji, to your question on the Malabar exercise and the Quad exercise, I mentioned that, probably did not mention it in my opening remarks. India-Australia defense cooperation is multi-layered, So at one level, we have a set of bilateral and regional exercises. At second level, we also have exchanges between the top senior Army, Navy and Air Force officials between the two countries. Three, we also partner very strongly on operational issues between the two navies, between the two air force, to some extent even between the two armies. I also spoke of operationalization of the General Bipin Rawat exchange programs. This is a program under which 15 Australian defense officials at various levels of seniority have come to India. 15 from India would join, and this is the first cohort of that exchange program. So when you look at and our defense cooperation also includes several regional exercises. Malabar is one of them. So when you look at one particular exercise, you need to position it in the larger rubric of defense partnership and not just pick up one element, amplify it, and then extrapolate it to another context. Our defense cooperation is strong, it's robust, it's dynamic, it is multifaceted, it is growing, and it is growing in a manner that, as I said, addresses, meets the convergences that both countries have in the maritime domain, and also seeks to address the challenges that both of us face. Thank you, sir. Shinja. Sir, it was very reassuring to hear the Australian Prime Minister promising India that action would be taken against all those responsible for the attacks on the temples. Several temples have been attacked over a period of time. The last one was a few days ago, quite some time ago. Have the Australians told us if there have been any arrests and how many there have been? No, hold on. Yes, ma'am, I saw your hand first round. Apologies. I have very few. Sorry, we'll not go to all the questions. I know a lot of interest. Please. Sir, I'm Kavita Joshi. Sir, my question actually to Pranay, which was the first question. In that, sir, what you said, that you have to break the temples in Australia,
सर, क्या जो खालिस्तान जो समर्थक जो लोग हैं वो जनमत संग्रह करा रहे हैं वहाँ पर खालिस्तान की मांग को लेकर के, क्या इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से कोई चिंता जाहिर की है? जनमत संग्रह का शब्द क्या उन्होंने इस्तेमाल किया है? आपको अंदर रख लिया रहेंगे ठीक है, आपको प्रश्न आ गया, एक प्रश्न आ गया, नहीं एक सर, क्या दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में भी कोई कंसर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाहिर किया गया है, क्योंकि अडानी ग्रुप का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, क्या कुछ कंसर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? हमारा कुछ जवाब मनुष्य, नो आई कांट डू ऑल द क्वेश्चन मनुष्य, ओके ये बिहाइंड यू लास्ट. Yeah, this will do one. Sir, Manas from PTI, Press Trust of India. Sir, what the Prime Minister mentioned about their keenness to, you know, enhance the already strong defense cooperation between the two countries, and you mentioned about India's, you know, highlight of Australian companies taking advantage of the Make in India policy. So was there any specific discussion to enhance defense cooperation apart from the joint projects or, you know, joint collaboration for military production? Sir, I think we are running out of time. Let me, I think, Manas, take up your question first. You know, I already sketched out before you various elements of our defense cooperation. Now, so when the two leaders discussed defense partnership between India and Australia, each of these elements featured in terms of its importance and significance in our cooperation. Naturally, it is the effort of both sides, in this case also the defense forces on both sides, to further boost this already strong cooperation between our two countries, particularly in the maritime domain space. Srinjoy, to your question, and Kavita ji, aapka prashan, wo samikaran ke dono ek hi taraf ke prashan hai. But I'll just say that, you know, on both these issues, you heard Honorable Prime Minister himself speak very clearly in his press remarks that our concerns, our sentiments, both relating to the incidents of vandalism on temples and the activities of pro-Khalistani activities in Australia's, these were shared very frankly with the Honorable Prime Minister of Australia, who in turn assured that they would look into this and take whatever is the suitable measures they need to take to address and mitigate this challenge. With regard to your last question, I have already laid out before you all the elements of discussion that took place between the two leaders on the bilateral space, in the regional space, and on global issues. Thank you very much, sir. Thank you also to High Commissioner, sir, Manpri Dwara, as well as... sorry. Was your last question... specific to Adani, sir, was it raised? I really don't recall any such thing being raised. Thank you. And also thank you to Paramita Tripathi, Joint Secretary of SINA, for joining us. Thank you. Good afternoon. Not raised. तो आप देख रहे थे विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी के भारत दौरे के विषय में जानकारी दे रहे थे. उन्होंने बताया कि ये दौरा एंथनी एल्बनीजी का बेहद सौहार्दपूर्ण और सफल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई बहुत मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, और तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की. तमाम वैश्विक मुद्दे थे जिनको दोनों नेताओं ने उस पर चर्चा की, तमाम द्विपक्षीय इंटरेस्ट के मुद्दे थे जिसमें व्यापार वाणिज्य निवेश से जुड़े हुए तमाम मुद्दे थे जिस पर दोनों देशों ने चर्चा की, और 4 सहमति पत्रों पर भी दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं. तो बेहद सफल रही है एंथनी एल्बनीजी की ये भारत यात्रा. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं बच जाएगा. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस वक्त में यूपी में निकाय चुनाव को लेकर के रास्ता आखिर कैसे साफ हुआ है. पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा. आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ. बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया. जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्टअप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट. यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट.
लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है, डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढोल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि RBI करना है। डिजिटल पेमेंट अपनाओ और को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे, यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और उत्तर प्रदेश में अप्रैल में निकाय चुनाव हो सकते हैं। यूपी में कैबिनेट ने लिया है ये फैसला, उत्तर प्रदेश में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। यूपी कैबिनेट ने ये फैसला लिया है और इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी सरकार और उसके बाद वहां से तय होगा कि, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, कि अप्रैल में चुनाव हो सकता है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर गठित OBC आयोग ने गुरुवार को CM योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कैबिनेट में आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई। अब एक या दो दिनों में ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर तय होगा कि नगर निकाय चुनाव का समय क्या होगा और 11 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इसके बाद कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूपी सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूची जारी कर सकती है। आरक्षण सूची के मुताबिक नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। जल्द ही चुनावों की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। आचार संहिता भी लागू हो सकती है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल में ये तारीखें हो सकती हैं। दरअसल 5 दिसंबर को यूपी सरकार ने निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी की थी, अनंतिम अधिसूचना जारी की थी, लेकिन कुछ लोगों ने आरक्षण सूची को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था और इसमें कुछ राजनीतिक दल भी थे, कुछ व्यक्तिगत लोग भी थे जिन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज करते हुए यह भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की अपनी मंशा जाहिर की थी। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। ये अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था यूपी सरकार ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग से 31 मार्च तक सर्वेक्षण पूरा कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। राज्य सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही वो चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, ये कहना है यूपी गवर्नमेंट का। नगर निकाय चुनाव में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 517 नगर पंचायत में चुनाव कराया जाना है। ऐसे में म्यूनिसिपल इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस पूरी मुद्दे के बारे में नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और हमारे पार्टी की सरकार ओबीसी को संपूर्ण रिजर्वेशन, पहले भी जो दिसंबर में जो अंतिम अधिसूचना डिक्लेयर की गई थी उसमें भी दिया गया था और अभी भी उसमें कहीं कोई दिक्कत आने की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। संपूर्ण रिजर्वेशन के साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपने AK शर्मा को सुना, नगर विकास मंत्री हैं यूपी गवर्नमेंट के, उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि बिना आरक्षण के चुनाव कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर जो इस पूरे प्रोसेस में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ दल ऐसे थे जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसमें BSP भी थे और भी तमाम छोटे दल थे, जो ये प्रचारित करना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट बिना ओबीसी आरक्षण के ये चुनाव कराना चाहती है। तो कहीं ना अगर देखा जाए तो ऐसे दलों का जो प्रचार था या दुष्प्रचार था उसकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए,
एक तरह से जवाब मिला है ऐसे दलों को कि जो ये आरोप लगाते थे कि यूपी सरकार गंभीर नहीं है आरक्षण के साथ चुनाव कराने को लेकर, जैसे ही कोर्ट का हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद हमने देखा कि तुरंत ये बयान आया यूपी सरकार की तरफ से कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट गई सरकार और उसके बाद जब कमेटी का गठन हुआ और कमेटी को जो समय दिया गया उस समय से कम समय में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और हम जानते हैं कि कैबिनेट पहले बुलाई गई, यानी एक दिन की भी देरी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करना चाहती थी और यही वजह है कि जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हुई, जैसे ही रिपोर्ट तैयार हुई और वो यूपी सरकार को सौंपी गई, तुरंत कैबिनेट बुलाकर उसको मंजूरी दे दी गई, यानी जो रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। तो ये दिखाता है यूपी सरकार की तत्परता कि वो कितनी गंभीर है कि आरक्षण के साथ, ओबीसी आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव हो। और दरअसल ये जवाब भी है उत्तर प्रदेश के तमाम जो विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, उनको कि वो जो एक अनर्गल आरोप लगाते थे, दरअसल उनके आरोपों में दम नहीं था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी गंभीरता दिखाई है हाईकोर्ट के फैसले के बाद। और अब एक तरह से देखें स्थितियां बिल्कुल साफ लग रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उसके बाद संभवतः ऐसा लग रहा है जिस तरह से तैयारी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि अप्रैल में ये चुनाव कराए जाएंगे जो कि नई सूची के हिसाब से, नए आरक्षण के हिसाब से होंगे जैसी कि आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती थी कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे उस पर आगे बढ़ी है। इतनी तत्परता से हमने देखा आयोग ने रिपोर्ट रखी और उस पर आगे मंजूरी भी दे दी गई कैबिनेट की एक ही दिन में। जी जी, निश्चित तौर पर तो कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई, कहीं ना कहीं सरकार की तत्परता को ये दिखाता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो पूरा भ्रम फैलाया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं खत्म किया है सरकार ने। एक बार फिर से 5 दिसंबर को भी उन्होंने आरक्षण के साथ ही ये सूची जारी की थी और एक बार फिर से वो आरक्षण के साथ ही चुनाव करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और बात करेंगे दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। दिल्ली का शिक्षा मॉडल और मनीष सिसोदिया, किस तरह से एक पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है इसको लेकर के, इसकी भी बात करते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले को लेकर इन दोनों सुर्खियों में हैं। दरअसल जेल की सलाखों के पीछे भी हैं और ईडी और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है, ईडी भी उनसे पूछताछ कर रही है, जबकि उन्हें अब तक देश के पहले क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन वो शराब घोटाले में फिलहाल जेल में बंद है। सीबीआई के बाद ईडी ने उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की है और कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसे हजारों बच्चों के खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हजारों बच्चों के खिलाफ एक साजिश है। बहुप्रचारित दिल्ली के शिक्षा मॉडल की सच्चाई भी लोगों के सामने अब हालांकि आने लग गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे देश में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को अपनाने की बात करती है, जबकि बड़ी संख्या में दिल्ली के विद्यालयों में प्रिंसिपल्स नहीं हैं। दिल्ली शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल करके कहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 पद वर्षों से रिक्त हैं। 1 मार्च तक 1,17,000 रिक्त पदों को 53,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर से भरा गया है। 1,17,000 रिक्त पद थे जिनको, जिसके अगेंस्ट में 53,000 टीचर लगाए गए। सवाल यह है कि अब जब स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है तो फिर क्वालिटी एजुकेशन का दावा क्यों और कैसे? दिल्ली में सरकारी स्कूलों में लगातार घट रहे छात्रों की उपस्थिति का कारण स्कूलों में शिक्षक का न होना बताया गया है। हालांकि नियुक्ति से ज्यादा केजरीवाल सरकार का जोर शिक्षकों के विदेशों में ट्रेनिंग को लेकर के है। सवाल यह भी है कि देश का पहला शिक्षा मंत्री शराब घोटाले को लेकर चर्चा में है। ऐसा पहली बार हुआ है कि शराब घोटाले को लेकर के कोई शिक्षा मंत्री चर्चा में हो, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे दिल्ली के हजारों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मानते हैं। तो ये अपने आप में समझने की जरूरत है कि किस तरह का ये एक पूरा नैरेटिव है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का क्या कुछ कहना इस पर, आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार चाहे कितने भी झूठे केस लगाकर मनीषी सत्येंद्र जी जैसे व्यक्तियों को जेल में डाल दे, लेकिन जो उनका प्रयास है कि दिल्ली वालों के काम को रोका जाए, उस प्रयास को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। और बीजेपी नेता मनोज तिवारी क्या कुछ कहते हैं इस पर, आइए उनके बारे में भी देखते हैं। मुझे जो आगे की तस्वीर दिख रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा जो आज मनीष सिसोदिया का हुआ है, जो पहले सत्येंद्र जैन का हुआ। देखिए, हमारा पूरा विश्वास है
कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। जिस प्रकार से दिल्ली को एक भोली भाली सूरत दिखा करके दिल्ली की खजाने को लूटा गया है, वैसे में कोई भी अपराधी, कोई भी भ्रष्टाचारी, मुझे नहीं लगता है कि वो बच पाएगा। और क्या कुछ कहते हैं अभिभावक, आइए सुनते हैं जिनके बच्चों के बारे में, जिसके स्कूलों का एक मॉडल जो बताया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं अभिभावक, आइए उनकी भी सुन लेते हैं। बच्चे जो गुटखा भी निकालते हैं वो शराब की दुकानों पे चढ़े हुए नजर आते थे लोगों को। उस माँ बाप से पूछो जिनके बच्चों को दारू की लत लग गई थी। और शिक्षा की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर मैं 90% स्कूल ऐसे बता दूंगा जिसपे स्कूल में प्रिंसिपल क्या टीचर तक नहीं है, प्रिंसिपल तो टीचर भी नहीं है, जो टीचर हैं वो भी ग्रेस पे हैं, और वो जिन जो ग्रेस पे हैं टेम्परेरी लगे हुए, उनको शिक्षा का पैसा तो मिलता नहीं। जिस स्कूल में 10 मतलब टेम्परेरी टीचर लगे हुए हैं, 5 तो आए दिन छुट्टी पे इसलिए रहते क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिलती। जिन्होंने क्या कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, क्या ये खोल पाए? जो स्कूल खोले हैं उसके अंदर पहले की बनस्पत अब उपस्थिति कम हो गई है। उसके उल्टा इन्होंने जो आबकारी मंत्री भी और शिक्षा मंत्री भी, एक ही आदमी, एक तरफ शिक्षा का मॉडल दे रहे हैं, दूसरी तरफ शराब का मॉडल दे रहे हैं। शिक्षा मॉडल तो कामयाब नहीं हुआ, शराब का कामयाब हुआ, कितने ही करोड़ों रुपए इन लोगों ने घोटाला किया। इन्होंने हमारे बच्चे EWS में से कोटा आया था, बाद में ये ससौजिया ने उसको कैंसिल करके तो बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। ये कहते मैंने अच्छे काम करे, कहाँ करे, मेरे पे सब सर्टिफिकेट आ गए, 9th क्लास में लड़की पढ़ती थी। सरकारी स्कूल में कोई बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही। सिसोदिया जी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है कि शिक्षा चल रही है, शिक्षा चल रही है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में शराब घोटाला हुआ और कुछ नहीं हुआ। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर मौजूद है, और उसके साथ ही साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं हमारे साथ में इस वक्त। विष्णु पाठक जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो मौजूद हैं, यासिर जिलानी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। फिलहाल हम आएंगे सबसे पहले चंद्रशेखर के पास। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहते हैं क्या ग्राउंड से आप रिपोर्ट करेंगे, क्या कुछ कहना है आम लोगों का, क्योंकि सियासत है तो ये कहा जा सकता है कि जो नेता है वो तो अपने अपने दल की अपने अपने पक्ष की बात करेंगे, क्या कुछ कहना है दिल्ली की जनता का? देखिए, दिल्ली की जनता से लगातार जो हमारी बात हुई उनका कहना यही था कि जो वादे किए गए थे वो निभाए नहीं गए थे, और शिक्षा का स्तर जो है लगातार गिरा है। और उनका यह भी कहना था, जैसे कि हम बाइक में भी सुन रहे थे कि 500 स्कूल जिस तरह से बनाने की बात हुई थी या जितने भी दावे स्कूल को लेकर के उसके बेटरमेंट को लेकर किए गए थे वो फुलफिल नहीं हुए। इस बीच मेरी बात कुछ जो गेस्ट टीचर्स हैं उनसे भी हुई है, और उनका भी एक बना एक मुद्दा है कि जिस प्रकार से जो परमानेंट टीचर को ये गेस्ट टीचर से फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी माली हालत भी ठीक नहीं है। 2016 के बाद से कहा जा रहा है कि उनकी एक पैसा नया पैसा उनकी सैलरी में नहीं जुड़ पाया, या फिर जो वो छुट्टियां उनको जो होती हैं उनका उनको पैसा नहीं मिल पाता है, और ये उनकी अपनी अपनी समस्याएं वहां पर मौजूद हैं। और ये जो शिक्षा लेवल की जो बात हो रही है जब इसमें, तो उसमें भी लोगों का कहना है कि गुणवत्ता जो है काफी कम हुई है, और एक तरफ शराब का मॉडल है और एक तरफ शिक्षा का मॉडल है, दोनों इस प्रकार से मिक्स होते नजर आ रहे हैं। जी, शराब का और शिक्षा का मॉडल मिक्स होने लगा है, और यही सवाल लेकर के हम विष्णु पाठक जी आपके पास आना चाहते हैं, जो हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि शराब का मॉडल और शिक्षा का मॉडल मिक्स होने लगा, आखिर क्या वजह है कि मनीष सिसोदिया की जब तरफदारी आप लोग करते हैं तो शराब घोटाले से ज्यादा शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ये जानबूझकर किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये जो एक्सक्यूज है, 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास और कोई शायद ऐसा ना रहा हो कि कोई शिक्षा मंत्री जो है वो शराब के घोटाले में इसके पहले पकड़ा गया हो, और उसके बाद जो तर्क दिए जा रहे हैं कि वो एक बेहतर शिक्षा मंत्री थे? नहीं नहीं, तो आपको क्या लगता है बेहतर शिक्षा मंत्री नहीं थे क्या? एक बार बताइए, आप बेहतर शिक्षा मंत्री थे, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेहतर शिक्षा मंत्री थे तो रहे होंगे, लेकिन उसका तर्क शराब घोटाले से क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के मद में विपक्षी पार्टियों को अच्छे कामों को दबाने के लिए शराब का और कभी कुछ का वो CBI रेड करवाती है, ED करवाती है, देश में एक परसेप्शन बन गया है और सभी लोग इस बात को जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखिए, राय स्टेट गुजरात में सैकड़ों लोग मर गए नकली शराब पी करके, उत्तर प्रदेश में मर गए, बिहार में मर गए सैकड़ों लोग नकली शराब दारू पी करके,
और दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, हमको तो ये नहीं समझ में आया। दूसरी बात आपको बताता हूँ, शराब घोटाला हो गया जी, उन्होंने कमीशन ले लिया 6 करोड़ रुपए, कर्नाटक में बीजेपी के विधायक के घर में पकड़ा जाता है, सिसोदिया जी के घर में, गांव में, उनके लॉकर में अठन्नी नहीं मिला, और सिसोदिया जी, ये भी पहली बार हो रहा है। तीसरी बात आपने अभी कहा कि 18 मंत्रालय उसके पास थे, आप दिल्ली का जो व्यवस्था है उसको समझ लीजिए कि मंत्रालय विभाग तो सारे हैं, जिस तरह से अदर स्टेट में है वो दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली में मिनिस्टर 6 ही बन सकते हैं, ये भी एक प्रावधान है। तो उसमें से क्या एक एक मंत्रालय एक एक मंत्री के पास रहेगा, तो दिल्ली की बाकी व्यवस्था के लिए कितना परमिशन है, कितने नहीं, नहीं, ये तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी कुछ मंत्रालय संभाल लेते, केजरीवाल जी कुछ मंत्रालय संभाल लेते उससे क्या हो जाता, केजरीवाल जी अगर अभी 10 मंत्रालय संभालते तो कहते केजरीवाल जी 10 मंत्रालय। ये खैर ये विषय नहीं है, आप अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद जो है मैं यासिर जिलानी जी के पास आऊंगा। वैसे जो आपने तर्क दिया विष्णु पाठक जी की, जो शराब के जो विषैली शराब पीने से या जो हूच ट्रेजेडी हो जाती है उसका शराब घोटाले से आप उसको दोनों का कनेक्शन मत लीजिए, वो कानून व्यवस्था की समस्या है, और उस पर जो राज्य सरकार है, चाहे बिहार की गवर्नमेंट हो, चाहे गुजरात की गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो तमिलनाडु डाउन साउथ अब चले जाइए, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, होती हुई हैं, और सरकारों ने इस पर कार्रवाई की है, लेकिन घोटाला एक दूसरी चीज हुई, कानून व्यवस्था दूसरी चीज है। ऐसा घोटाला पहली बार हुआ है देश में और दुनिया में कि घोटाले केंद्र सरकार कर रही है कि फला आदमी ने घोटाला किया, उसके यहाँ रेड पड़ा और उसको अठन्नी नहीं मिला, घोटाला किया आखिर गया कहाँ, घोटाला नहीं अठन्नी नहीं मिला, इसकी जानकारी आपके पास है। चलिए यासिर जिलानी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। पहला सप्लीमेंट्री में भी सीबीआई मनीष जी का नाम नहीं था, पहले रेड में भी नाम नहीं था, फिर कैसे राजनीतिक दबाव के वजह से। चलिए यासिर जिलानी जी कह रहे हैं कि ये दरअसल राजनीतिक दबाव की वजह से, एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो चला रही है बीजेपी, और बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री थे और इस वजह से जो है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी जो शिक्षा मंत्रालय का जो तमाम सारा मॉडल है और मामला है उस पर भी हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। जी नहीं, जो शिक्षा मॉडल है उस पर हम लोगों ने पिछले 1 साल से सवाल उठा रहे हैं। मैथमेटिक्स के टीचर दिल्ली में नहीं, साइंस के टीचर पूर्ण रूप से स्कूलों में नहीं, इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन तक किया है, और ये इनके प्रवक्ता कैसे आके इस तरह से डिफेंस में आके बोलने लगते हैं, 2% से कमीशन 12% कर देते हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? दिल्ली में 60% पहले सरकारी ठेका था और 40% प्राइवेट ठेका था, अब 100% प्राइवेट ठेका हो गया, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? अर्नेस्ट मनी वापस करके उस जोन में शराब का ठेका दे दिया गया जहां सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में आप कोई शराब का ठेका खोल नहीं सकते हैं, तो वो उसमें भ्रष्टाचार नहीं किया? के कविता का नाम आ रहा है, साउथ वाले ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये कब तक इनके प्रवक्ता और इनके नेता झूठ बोलेंगे? देखिए इसका मेन सरगना इस वक्त जो सामने आ रहा है वो गैंग का मुखिया हो, और वो है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री, गिरफ्तारी उनकी भी होगी क्योंकि जांच का आंच उन तक भी और उनके उन तक पहुंचने वाला है और पहुंच भी रहा है, और सारे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने इकट्ठे किए हैं पिछले 1 साल में, कोई कॉमन आदमी अभी आपने ये तो कह रहे हैं कि अठन्नी नहीं मिली, ये देखिए विष्णु पाठक जी कह रहे हैं अठन्नी नहीं मिली जनता से, दिल्ली की जनता जनार्दन से आपके रिपोर्टर फीडबैक ले रहे थे, मुझे लगता है 100% लोगों ने इनको एक तरीके से खरी खोटी सुनाई है। इन्होंने ये बार बार शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा मॉडल भी इनका सबसे बदतरीन यानी सबसे बेकार दिल्ली का रहा है। रिजल्ट आज 10th और 12th का कहां से कहां घट गया, इन्हें इस बात का एहसास नहीं है, बच्चे सरकारी स्कूल से मुंह भंग कर रहे हैं, ये इनका इनके इनका आंकड़ा है, ये बड़े बड़े हजारों हजार करोड़ इन्होंने प्रचार में लगा के कोशिश करा कि एक नैरेटिव खड़ा करें, लेकिन वो नैरेटिव काम नहीं आया। आपके सामने सीधे सीधे मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं और कानून समन जेल गए हैं, कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने उनके खिलाफ बिना जांच के उन पे 120B, उन पे 477A, उन पे भ्रष्टाचार अधिनियम 7, ये सब धाराएं लगी हैं, ये कानून सम्मत चीजें हैं। अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को और उनके नेताओं को इस बात का एहसास नहीं है
तो उनको भगवान सदबुद्धि दे, क्योंकि आने वाले वक्त में जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है, क्योंकि जनता इनसे बेहद नाराज हो चुकी है। जनता ने इनके ऊपर विश्वास करके एनसीडी में भी इनको मैंडेट दिया था, लेकिन इन्होंने क्या जनता के लिए किया है वो सब जगजाहिर है, सामने है। जीके सत्येंद्र जैन पिछले 8 महीने से जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में है, और सरगना अरविंद केजरीवाल साहब जेल में। विष्णु पाठक जी जिस दिल्ली के स्कूलों के मॉडल की आप बात करते हैं, वहां पर उसके लिए हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर आपने कहा है, आपकी सरकार ने कहा है कि 16,000 शिक्षक पिछले कुछ वर्षों से वहां पर नहीं है, 1,17,000 पोस्ट के अगेंस्ट में 53,000 आपने गेस्ट टीचर्स वहां पर भरे हुए हैं, लगातार बच्चों का जो एडमिशन है वो प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में लगातार घट रहा है, किस तरह का ये मॉडल है जिसकी आप तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये जो है शराब घोटाले में दरअसल नहीं फंसे हैं, उनको शिक्षा मॉडल इतना अच्छा था जिसकी वजह से फंसा दिया गया? नहीं, यासिर जिलानी साहब हमको ये बता दे, अभी उन्होंने कहा कि दिल्ली का गुजरात का एजुकेशन रेट क्या है ये बता दे, जहां 30 वर्षों से बीजेपी के साथ गुजरात के एजुकेशन रेट की बात ही नहीं हो रही है, इसके बाद अब यूपी के एजुकेशन रेट की बात करेंगे, हम तो आपकी बात कर रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं कि जिस शिक्षा का इतना चमकता हुआ मॉडल फेल करने के लिए, देखिए इसको इधर उधर मत ले जाइए। विष्णु पाठक जी मुझे खाली 5 सेकंड सुन लीजिए, विष्णु पाठक जी 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए, आपके पास इसका मतलब जवाब नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए मुझे, उसके बाद अपना जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे जो सवाल पूछा गया है उस पर चर्चा करिए, गुजरात पर जिस दिन चर्चा करेंगे, यूपी पर जिस दिन चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र पे करेंगे, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पे करेंगे, उस दिन फिर आपको बुलाएंगे। आज विषय को डाइवर्ट मत करिए, आज केवल यह पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मॉडल है जहां पर 16,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, ये कौन सा मॉडल है जहां पर स्कूलों में एडमिशन्स के नंबर लगातार कम हो रहे हैं, ये कौन सा मॉडल है जहां पर 53,000 गेस्ट टीचर से काम चलाया जा रहा है, 1,17,000 के अगेंस्ट में आप कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा शाइनिंग मॉडल है, किस तरह से मॉडल है जिसमें आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आप सारे लोग कह रहे हैं कि जी मनीष सिसोदिया को फंसाया गया इस मॉडल को फेल करने के लिए? नहीं, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरे देश में, दूसरे दल के सरकार भी दिल्ली को नकल करने के कई स्टेटमेंट आ चुका है, इनके भारतीय जनता पार्टी गुजरात के शिक्षा मंत्री ने भी दिया था अभी चुनाव से पहले कि हम दिल्ली की तरह करेंगे व्यवस्था अपने यहाँ, उसके बाद उन बातों से ये घबरा गई है बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार और बीच में आ गया नगर निगम का चुनाव हारना और भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, फिर भी चाह रहे थे कि सरकार नहीं बने आम आदमी पार्टी की, उसके बाद ये दिल्ली की जनता समझ रही है। आप जो रिकॉर्ड किए हैं कहां कहां से लाए हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये जो सारे आपने रिकॉर्ड बताए कि तमाम सारे दूसरे दलों के नेता, इसको हमने भी कभी नहीं सुना, हमारा तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, आपके लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया, आप यहां से जाइएगा और हाईकोर्ट के जो अपने वकील साहब हैं उनसे पूछिएगा, आपको भेज दूंगा। जी नहीं, मैं वो स्टेटमेंट आप हमें भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने वकील साहब से पूछिएगा, वो बताएंगे, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई कहीं और से आंकड़ा लेकर नहीं आया, आप अपने ही सेक्रेटेरिएट में पूछ लीजिएगा दिल्ली सरकार। मैं पाठक जी से एक बात पूछ लेता हूं, एक बात बता दीजिए, जो शिक्षा मॉडल की आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपको मालूम है मनीष सिसोदिया का बेटा कहां से पढ़ रहा है, कहां से उसने एजुकेशन अभी हासिल कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया का कहां पे कर रहे हैं? नहीं आप बताइए ना, उसके बाद मैं भी पूछता हूं ना, मैं भी पूछता हूं, जानकारी हासिल पूछता हूं, शिक्षा मॉडल की बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचारी, इतने बड़े भ्रष्टाचारी है कि वो उन्होंने एक जो नकाब ओढ़ रखा था शिक्षा का और करा उन्होंने के साथ घोटाला, हमको एक आप सीधा सीधा यासिर भाई विष्णु पाठक जी सुनने तो दीजिए, विष्णु पाठक जी सुनने तो दीजिए। जी ठीक है, आपसे अभी एंकर महोदय ने पूछा कि आपके गेस्ट टीचर से आप काम चला रहे हो, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपसे तमाम एक साल से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में जो साइंस के टीचर हैं, जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, वो आपने अपॉइंट नहीं किए हैं, आप उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आप जब जेल चले जाते हैं तो आपके सपोर्ट में भारत के 9 नेता चिट्ठी लिखते हैं। वो 9 नेता कौन से हैं? जिन नेताओं को कभी अरविंद केजरीवाल फाइल लेके भ्रष्टाचार की घुमा करते थे आंदोलन के दौरान, किन्हें जेल भेजेंगे, उसमें पहला नाम है फारूक अब्दुल्ला 2002 से 2012 में क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के जब अध्यक्ष थे तो 113 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे। केसीआर की बेटी के कविता शराब घोटाले में डायरेक्ट
और लालू प्रसाद यादव जी का पाठक जी क्या कहना। एक फोटो आ गई थी तो मनीष सिसोदिया ने 6 महीने उस पर सफाई दिया था और करोड़ों का विज्ञापन छापा था। आज वही लोग, वही भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतिष्ठा वाले उदाहरण पेश करने वाले जो लोग हैं, वो आज अरविंद केजरीवाल के साथ है। कहां गई आपकी नैतिकता और शुचिता? आप जैसे नहीं, आप अभी आपने देश भर की बातें करी, आप रेड्डी ब्रदर रेड्डी ब्रदर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप रेड्डी ब्रदर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? चलिए इस चर्चा को समाप्त करेंगे, लेकिन विष्णु पाठक जी चलते चलते विष्णु पाठक जी चलते चलते एक सवाल आपसे पूछ ले। विष्णु पाठक जी, विष्णु पाठक जी अपना दामन तो देखिए। अरे विष्णु पाठक जी, आपसे के नशे में इतना जी। विष्णु पाठक जी एक सवाल पूछते चलते चलते इस चर्चा को समाप्त करेंगे। ये जो सवाल रेज हुआ है, दरअसल दिल्ली के कितने जो मंत्री हैं उनके परिवार के बच्चे या कितने आम आदमी पार्टी के विधायक या सांसद या पार्षद उनके जो बच्चे हैं वो इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप बताएंगे? कोई आंकड़ा है आपके पास? नहीं, आप बताइए ना आप बताइए, एक भी मंत्री जो आपने 6 मंत्रियों का नाम लिया जी, मंत्री कितनों? नहीं, ये झूठ अपने आप में साबित होता है, ये झूठ अपने आप में साबित होता है। आप पता करिए, आपके किसी भी मंत्री का, आपके किसी भी सांसद का और आपके अधिकांश विधायकों के कोई बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। ये जाकर इसके बाद इस चर्चा को खत्म होने के बाद आप आंकड़ा देख लीजिएगा, इस आंकड़े को चेक कर लीजिएगा और उसके बाद हम फिर कोई एक नई चर्चा लेकर के आएंगे। लेकिन दरअसल कोई कहीं ना कहीं एक मैंने बता तो दिया, मैंने बताया कि एक बार आंकड़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री कोई स्कूल में नहीं पढ़ता। नहीं, अरे स्कूल में तो पढ़ता ही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में तो पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर चर्चा करने के लिए। यासिर जिलानी जी आपका शुक्रिया, विष्णु पाठक जी आपका शुक्रिया और चंद्रशेखर आपका भी शुक्रिया, हम आपसे दोबारा आपको जोड़ नहीं पाए। सरदार पटेल स्कूल से जी जी, चलिए चलिए तो इस चर्चा को विराम देते हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थी चर्चा जिसमें ये बात निश्चित तौर पर सामने निकल करके आई कि दरअसल बात शिक्षा मॉडल की होती है, लेकिन जो उसमें तमाम खामियां हैं उसको भी उजागर करना, जनता के सामने उसको लेकर आना, ये बेहद ज़रूरी है। और ये भी बात बेहद ज़रूरी हो जाती है कि ये जानना कि शिक्षा, जिस शिक्षा मॉडल का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम ढोल पीटा जा रहा है, उन दिल्ली के स्कूलों में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये जो खबर है बेहद महत्वपूर्ण है, नाम मीडिया का और काम प्रोपेगेंडा का। क्या है प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ? भारत को लेकर विदेशी मीडिया के झूठ फैलाने की साजिश पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कड़ा प्रहार किया है। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख को अनुराग ठाकुर ने शरारती और काल्पनिक बताया है। उन्होंने कहा है ये लेख शरारती और काल्पनिक है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य विदेशी मीडिया भारत और पीएम मोदी को लेकर द्वेष पाल रहे हैं और निरंतर झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने द्वेष पाल रखा है और झूठ लगातार फैला रहे हैं। आपको बताते चले कि कश्मीर टाइम्स और अन्य अखबारों को सरकारी फ्लैट से अखबार चलाने और वर्षों से सरकारी फ्लैट के कब्जे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने रेंट देने की मांग की थी। कश्मीर टाइम्स के संपादक वर्षों से सरकारी बंगले का निजी उपयोग करते हैं, उन्हें खाली कराए जाने के बाद ये प्रेस की स्वतंत्रता का मामला कैसे बन जाता है? बताने की जरूरत है कि कोविड महामारी के दौरान पत्रकार राणा अयूब के क्राउड फंडिंग को अपने उपयोग में लाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इस पर वॉशिंगटन पोस्ट ने फ्रंट पेज पर राणा अयूब का फोटो छापकर उसे फाइटर जर्नलिस्ट बताया था। तो यह समझने की जरूरत है कि आखिर नैरेटिव क्या है। दहशतगर्दी के दौर में कश्मीर में विदेशी मीडिया की सक्रियता जग जाहिर थी कि किस तरह से विदेशी मीडिया वहां सक्रिय था। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव ही इन विदेशी मीडिया का एजेंडा रहा था, लेकिन लाखों कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनके साथ दुर्व्यवहार को कभी विदेशी मीडिया ने अपने यहां जगह नहीं दी। सबसे बड़ा सवाल कि क्या कुछ विदेशी मीडिया 2024 से पहले भारत के खिलाफ अनर्गल दुष्प्रचार कर अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ महीने पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को 150वां स्थान दिया गया था। 150वां स्थान, ये किस तरह की रिपोर्ट थी? इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के फीडबैक के आधार पर तैयार करने का दावा किया गया था, लेकिन एनजीओ के सर्वे का आधार क्या है, ये इस पर एनजीओ खामोश रही थी। और राज्यसभा में भी इस तमाम अनर्गल आरोपों को
सूचना और प्रसारण मंत्री ने खारिज किया था। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा था कि इस रिपोर्ट से सहमत होने का कोई कारण नहीं बनता है। उन्होंने कहा था कि सरकारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए वो प्रतिबद्ध है। हैरानी की बात यह है कि फेक नैरेटिव तब फैलाया जा रहा है जब भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा अखबार और टीवी चैनल्स हैं। खास बात यह है कि 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन धारक अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर रखते हैं। उनके पास यह अवसर है, लेकिन अफसोस यह कि दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र को विदेश की धरती से नसीहत दी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तथाकथित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की नजर दरअसल सिलेक्टिव क्यों हो जाती है, उनको सच क्यों नहीं दिखाई देता। दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस की सीख देने का दावा करती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन फेक नैरेटिव कैसे फैलाते हैं। लेकिन यही यूनिवर्सिटी कश्मीर फाइल्स के निदेशक को पीड़ित कश्मीर पंडितों की व्यथा रखने की इजाजत नहीं देती है, जबकि वो दावा करती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो हितैषी है, हिमायती है। दुनिया भर में प्रगतिशील मीडिया के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ लोगों ने तय किए हैं अपने हिसाब से मानक, लेकिन बदले भारत में अब लोगों को झूठ और सच में फर्क समझ में आ गया है। और क्या कुछ लिखा है, दरअसल ट्वीट को पढ़ते हैं हम अनुराग सिंह ठाकुर को कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत पहले ही भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता के सभी दावों को छोड़ दिया था। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स का तथाकथित ओपिनियन पीस शरारतपूर्ण और काल्पनिक है, जिसका एकमात्र मकसद भारत के बारे में दुष्प्रचार फैलाना है। तो एकमात्र मकसद इस मीडिया का न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, जिसका भारत के बारे में दुष्प्रचार फैलाना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयानों की भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी शक्ति परस्त माओवादी और जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को उनके इन बयानों पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने, तोड़ने और जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेशी शक्ति परस्त माओवादियों और जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं, वो विदेशी ज़मीन का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में भारत एक ऑक्यूपेशनल फोर्स है। ये मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से, खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से है, क्या वो राहुल गांधी की इन बयानों से सहमत हैं? ये दिखाता है कि कैसे कांग्रेस भारत को तोड़ने में, भारत में भ्रम फैलाने में और भारत की सेना का मनोबल गिराने में लगे हैं। विदेशी धरती, विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसियाँ का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लगातार किया जा रहा है और ये सत्ता की प्राप्ति के लिए स्तर तक राहुल गांधी जी गिरेंगे, ये दुर्भाग्य है। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए राहुल गांधी नीचे गिर गए हैं, ये कहना है दिल्ली केंद्र सरकार का और केंद्र सरकार के मंत्रियों का। अनुराग सिंह ठाकुर को अभी आपने सुना, उन्होंने खरी खरी सुनाई है न्यूयॉर्क टाइम्स को भी और कहा भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है और ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से हो रहा है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा, जिस तरह से एक तुर्की जवाब, जिसको कहते हैं बिल्कुल खरा खरा जवाब जो है अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यूयॉर्क टाइम्स दिया है, साथ ही साथ ये भी बात कही है कि कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो भारत के हैं, जिसमें कुछ राजनेता भी हैं और राहुल गांधी का नाम आजकल तो उसमें अग्रणी आ रहा है, जो विदेश की धरती पर जाकर भारत के खिलाफ ही बात करते हैं। निखिल, आपने जैसा कि अब आप अपनी रिपोर्ट पढ़ा है और आप इसमें रिपोर्ट में देखिए कि अनुराग सिंह ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने एक तरह से ये जो इकोसिस्टम है उसको एक्सपोज किया है न्यूज के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, जो ये इनका प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ में, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ में, उसको आज मिनिस्टर ने अपने ट्वीट से और अपने बातों से उसको एक तरह से एक्सपोज किया है कि दरअसल ये जो मीडिया का नाम लेते हैं लेकिन इनका काम जो है वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा फैलाना है। अब मैं आपको अपने उसी केस पे आता हूँ जिसकी बात की जिक्र हम लोग कर रहे थे, कश्मीर टाइम्स की बात आप कर रहे थे जी। जो कश्मीर टाइम्स के जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं अनुराधा भसीन, उनका न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरा एडिटोरियल में उनका पेज छपा है, उसके बाद एडिटोरियल के साथ में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी भी रिपोर्ट लिखी है भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। अब सवाल यह है कि अनुराधा भसीन है कौन, यह भी जानना जरूरी है कि हमारे लोगों को, देश के दर्शकों को ये बात को समझने की जरूरत है कि अनुराधा भसीन
कश्मीर टाइम्स के जो पूर्व संपादक थे, एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, वेद भसीन उनकी बेटी है। जब तक वेद भसीन वहाँ रहे, वेद भसीन अपना पूरा प्रेस कश्मीर टाइम्स का लाभ लश्कर जितना था वो सरकारी दफ्तर को बना में, आवास में ही उन्होंने अपना दफ्तर बनाया था। ये उनका आप अपनी अपने आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा विजुअल कि जिस दिन उनको कश्मीर वहाँ के लोकल प्रशासन ने उसको इस बात के लिए खाली कराया कि उस मकान को आप खाली कीजिए, क्योंकि 30 साल से वेद भसीन बगैर कोई रेंट दिए हुए उस मकान पे कब्जा किए हुए थे, सरकारी बंगलो था, और उस बंगले को अब उनके मरने के बाद रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसके बाद अनुराधा भसीन ने यह अपना परिचय दिया था कि अब इस अखबार का उस समूह का आप एग्जीक्यूटिव एडिटर वो हैं, इसलिए उनका वो ट्रांसफर होता है। तो बताइए एक सरकारी प्रॉपर्टी एक निजी प्रॉपर्टी में कैसे बन जाती है, और ये चीजें ये बातें लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का दावा करते हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रेस की आजादी पर चर्चा करते हैं, ओपिनियन लिखते हैं जी, जिनका सिर्फ इसलिए आप उनका ट्वीट देखिए, पिछले ही साल का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच के उनके मकान को उनकी सारी चीजों को खाली कराने का नोटिस दिया और एक महीने के बाद जब वो नहीं की तो उनको मकान खाली कराने के लिए कहा गया, तो उस समय में उन्होंने बात की थी, और आज वो कश्मीर के फ्री प्रेस की बात करते हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स उसको छापता है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, कश्मीर टाइम्स है कहाँ? आप वो कश्मीर टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जिसका एक भी अखबार आज की तारीख में नहीं छपता है, लेकिन अगर मीडिया में सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए उनको कश्मीर टाइम्स का एक एग्जीक्यूटिव एडिटर बताया जाता है और उनके कॉलम को न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है, तो ये आप कह सकते हैं कि बेईमानी है और उसकी नीयत साफ नहीं है, जो बात अनुराग सिंह ठाकुर कह रहे थे। जी जी बिल्कुल जी। एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एक पूरे प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाती थी, अब किस तरह से लोग इसको लेते हैं, खासतौर पर भारत में इसको किस तरह से लिया जाता है। दूसरी एक बात और भी इसमें हम क्लब करना चाहेंगे इस सवाल में, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार विदेशों में जाकर के देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं जो देश के खिलाफ की जो ताकतें हैं या इस तरह का जो नैरेटिव गढ़ने वाला मीडिया है उनको मौका मिलता है। निखिल मैं बारी बारी से आपका जवाब दूंगा, आपका सवाल बहुत लोडेड है, मैं एक बार इस पे आता हूँ कि आज के दौर में ये कैसे बदला है ये दौर इकोसिस्टम का, जब वो फेक नैरेटिव्स यहाँ भारत में चलता था जी, तो उस समय में जो सो कॉल्ड प्रगतिशील बुद्धिजीवी अपने को कहते थे वो एक तरह से पॉलिसी मेकर बन गए थे, उनको लगता था कि एक देश के जो ये डेमोक्रेसी है उसके स्टेक होल्डर वही है और वही जो बात बताते हैं पूरे देश के जनता जो है वही बात समझती है। ये जमाना बदल गया है, 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन पे लोग सोशल मीडिया पे यूज करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति देते हैं जी। वो प्रेस की आजादी की अपनी जो उसका एक फिलोसफी है उसका तो आम लोगों के हाथ में है और वो खुल के बोल रहे हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ आलोचना हो, प्रतिक्रिया हो या जो भी चीजें हो, लोग खुद कर रहे हैं जी। इस हालत में आज का जो इकोसिस्टम कैसे फेल कर रहा है, इसका उदाहरण आपने इस समय में कोरोना के समय में कोविड महामारी के दौरान में देखा था। आपने देखा कि कोई भी विदेशी अखबार, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर आप संडे ऑब्जर्वर हो या चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, आपने किसी भी अखबार में उनके देश में जो मौतें हो रही थी उसके एक भी फोटो कहीं नहीं छपी थी। 9/11 का भी आप याद कीजिए कि हजारों लोग मरे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तब बताया था कि हमारे देश की ये पॉलिसी है कि हम किसी इस तरह की घटनाओं को हम कवर उसमें फोटो में नहीं छापते हैं। लेकिन भारत में इस कोरोना के समय में सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे सिर्फ जलती हुई चिताओं के फोटो छापे जा रहे थे जी। क्या ये फ्री प्रेस की है? क्या ये फिर उनकी जो तटस्थता की जो अपना एक शपथ है और जो अपनी ये बताते रहे कि हम एक न्यूट्रल प्रेस हैं, क्या वो भारत में आके उनकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है जी? ऐसे बहुत से सवाल हैं। जब ये सवाल में उनको पूछा जाएगा कि जब ये मौत का आंकड़ा भारत के लिए बता रहे थे तो शायद आप कभी अमेरिका और यूरोप के जो 40-42 कंट्री में जो जितने लोग हॉस्पिटल से बाहर तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए और बाकी दवाओं के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, क्या एक भी खबर कभी किसी विदेशी अखबार में छपी थी? लेकिन भारत की खबर आईसीयू के रूम में जाके, कमरे में जाके वो सारे रिपोर्ट विदेशी अखबारों को सुलभ थी कि वो इसको छाप रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि भारत में कुछ नहीं है जी जी। लेकिन जी, जी, भारत जी, की स्थिति क्या है ये बात तो कम से कम इसमें जो भारत के लोगों में जो ताकत है, डेमोक्रेसी में जो भारत को ये ताकत दिया है, वो इस बात को समझते थे और इसके कारण इसके उनका नैरेटिव जो फेल हुआ था जी। नहीं बात राहुल गांधी का जब आप बात कर रहे, तो आप ये देखिए कि ये टाइमिंग की बात देखिए कि बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री करता है 20 साल पहले की एक घटना को लेके और वो लंदन में एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, वहां के लोगों के एक्सपर्ट व्यू लेता है और भारत में एक माइनॉरिटी के खिलाफ की साजिश की वो डॉक्यूमेंट्री करता है।
जी राहुल गांधी आज वो बता रहे हैं जो बात टाइमिंग आप देखिए कि वो लंदन के वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है उसके बीच में भारत की डेमोक्रेसी की बात बता रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। उसका टाइमिंग देखिए कि आज G20 का भारत में जो इस साल के अध्यक्षता मिली है पूरे दुनिया की निगाहें भारत पे है। भारत की जो संप्रभुता और भारत की जो ताकत है इकोनॉमिक पावर है उसको दुनिया करीब से देखने की कोशिश कर रही है और उसके बदले आप इस सीन को डिफ्यूज करना चाहते हैं। आप मिशन 2024 जो आपका एजेंडा है उसको इकोसिस्टम से मिला के आप लगातार देश के खिलाफ में इस तरह की अनर्गल बातें अनर्गल प्रचार को एक जगह देते हैं उसको हवा देते हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड प्रेस के इंडेक्स की बताया था जिसपे काफी चर्चा हुई थी उस कोरोना के समय में। आप देखिए कि उस इंडेक्स में भारत का फ्री प्रेस का 150वां स्थान दिया था। अभी देखिए कि पाकिस्तान भी उससे ऊपर था नेपाल भी उससे ऊपर था ऐसे कई कंट्री थे जिसके ऊपर में थे। तो आप कह सकते हैं ये शर्मनाक नहीं है तो ये क्या है? ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ये लोग करते हैं क्या वो भूल जाते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो आज की नहीं है हजारों साल की परंपरा है और इसमें जीने की लोगों की आदत है। जी दरअसल शायद जो दर्द है वो भी यही है कि इतनी पुरानी डेमोक्रेसी किस तरह से फल फूल रही है किस तरह से इतनी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो कुछ न कुछ नैरेटिव हमेशा उसके खिलाफ फैलाते रहा जाए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि अब वो पुराना दौर नहीं है अब देश और दुनिया इसको समझ रही है देश की जनता बखूबी इसको समझ रही है। बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। थैंक यू। और बात करते हैं अब पश्चिम बंगाल के सियासत की जहां पर सियासत कुछ थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भी की है पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की मांग। जो वहां के स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के उन्होंने मांग की है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर जहां आम लोगों में डर है वहीं विपक्षी दल भी आशंकित हैं। अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। मालदा के 5 पूर्व कांग्रेस के विधायकों ने जिलाधिकारी से मिलकर आगामी पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की सक्रिय भूमिका की मांग की है। उनको अब जो स्थानीय पुलिस है उस पर भरोसा नहीं रहा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और मालदा दक्षिण के सांसद अबू हसीन खान चौधरी ने भी पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की मांग की है। अबू हसीन खान चौधरी ने 6 मार्च को कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की थी। पार्टी ने इसी मांग को उठाने के लिए सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित करने का भी फैसला किया है। तो केवल मांग ही नहीं कर रही बल्कि सप्ताह भर के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये साफ है ये स्पष्ट है कि लेफ्ट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब राज्य पुलिस पर उनको भरोसा नहीं रह गया है। बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था के मामले में स्थानीय पुलिस कैसे एक पार्टी बन जाती है। उसका काम न्याय दिलाना है कानून व्यवस्था को बनाए रखना है लेकिन वो एक पार्टी के तौर पर काम करने लगती है एक पार्टी बन जाती है। विपक्षी दल राज्य पुलिस पर सत्ताधारी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करने का आरोप लगाते रहे। राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा में पुलिस की निष्क्रियता और एक पक्षीय कार्रवाई पर बड़े सवाल उठते रहे हैं। जो पोस्ट पोल हिंसा हुई थी उसकी बात की जा रही है। पोस्ट पोल हिंसा के दावों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से नकारती रही हैं। उनका कहना था कि कोई हिंसा नहीं हुई है लेकिन जांच के बाद यह साफ हुआ कि हिंसा हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर राज्य पुलिस से कई मामलों की जांच ले ली और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी और केंद्रीय एजेंसियों की जब जांच हुई तब पूरा मामला सामने आया कि किस तरह की हिंसा फैली है पोस्ट पोल हिंसा किस तरह से हुई है। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और भूमिका पर हाईकोर्ट ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले फिर से हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी हैं और ये लोगों को आम लोगों को डरा रही हैं। सवाल यह भी है कि जो राजनीतिक दल केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हैं वही दल पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों पर भरोसा जताते हैं। ये एक बड़ा सवाल है यानी समझा जा सकता है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताना अपने गुनाह छिपाने के लिए है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत एक सवाल जो सबसे आखिर में हमारी रिपोर्ट कहती है कि दरअसल केंद्रीय एजेंसियों की जब बात की जाती है तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने के लिए विपक्ष के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है सारी बातें हैं लेकिन जब केंद्रीय बलों की बात आती है जब दूसरे राज्य में बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमको केंद्रीय बल चाहिए क्योंकि राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? नहीं राज्य पुलिस पर भरोसा तो है ही नहीं ये तो ठीक है। इसके बारे में बीजेपी की तरफ से कई दिन पहले हाईकोर्ट के सामने याचिका दायर कर दिया गया था कि जैसे पहले भी आपको बताया मैंने कि शुभेंद्र अधिकारी ने ये याचिका दायर किए हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स लगाया जाए।
लेकिन यहाँ पे ये जो राजनीति की बात कर रहे हैं, ये राजनीति की बात नहीं है, ये एक्चुअली अपना जान बचाने की बात है। यहाँ पे हिंसा ऐसी जगह पर इन लोगों ने ही छोड़ के गया है, इसी कांग्रेस ने, इसी वाम मोर्चे ने इसी हिंसा का सिलसिला छोड़ के गया है जो आगे लेके गया तृणमूल कांग्रेस ने। और स्थिति ऐसा हो गया कि कल रात से आज सुबह तक अगर बात बताए तो ऐसे तीन चार घटना ऐसा है कि जिसमें बम फूटने के कारण लोग घायल हो चुके हैं, गोली लगने से लोग घायल हो चुके हैं। इससे हर घंटों में कुछ ना कुछ गांव में होता रहता है, डिस्ट्रिक्ट में होता रहता है। अब ये बीजेपी पहले ही इस बात को उठा रहा है और अब जाके कांग्रेस और वाम मोर्चे को, खासतौर से कांग्रेस, ये मालदा मुर्शिदाबाद इलाका में अपने जो अस्तित्व है उसे बचा के रखने के लिए ये जो जगह है, तो यहाँ की लोगों ने यह बोलने लगे है कि सेंट्रल फोर्स होना जरूरी है। सही सी बात है कि सेंट्रल फोर्स होना काफी जरूरी है, ये सिर्फ किसी जगह पे जीतने के लिए या किसी जगह पे कुछ ठीक ठाक चुनाव होने के लिए नहीं है, बंगाल की गांव की लोगों को बचाने के लिए सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हर एक पंचायत चुनाव में 15 से 20 या 20 से भी ऊपर लोग सिर्फ पोलिंग का डेट में मारा जाता है, ये हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में नहीं होता है, तो ये काफी जरूरी है कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती पे यहाँ पे चुनाव हो। और इसी के ऊपर हाईकोर्ट में कार्रवाई जारी है, हो सकता है अगले एक दो दिन में या नेक्स्ट वीक अर्ली वीक में हाईकोर्ट की तरफ से इसके बारे में कुछ फैसला आ जाए, क्योंकि तब तक हाईकोर्ट ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको रोक के रखे जब तक इसके बारे में फैसला ना हो जाए। निखिल जी, एक बहुत सवाल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस पूरी जो कांग्रेस की मांग है या जो एक तरह से लेफ्ट का कहीं ना कहीं जो जिस तरह से दिखाई पड़ता है कि राज्य सरकार में, राज्य सरकार की मशीनरी में उन सब का भी कोई विश्वास नहीं रह सकता, इसका असर क्या पंचायत चुनाव में दिखेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए निखिल, इसका असर पंचायत चुनाव में हो सकता है, इसीलिए ना पहले ममता बनर्जी की तरफ से पंचायत चुनाव को बार बार टालने की कोशिश किया जा रहा था। और किसी ना किसी तरह से कल भी हम लोगों ने आलोचना किया है कि किस तरह से गांव की लोगों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है ममता बनर्जी, चाहे वो ये बच्चों की मौत को लेकर हो जाए, एडिनो वायरस को लेकर, चाहे किसी दूसरे किसी काम के लिए हो जाए, तो जिस तरह से गांव के लोगों को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लुभाने की कोशिश किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, चाहे वो PMAY को लेकर, चाहे वो मिड डे मील को लेकर, सब कुछ लेकर इस तरह से पेचीदा स्थिति में अभी तृणमूल कांग्रेस है, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर, कल हमने ये बात कर रहे थे कि किस तरह से अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया ये जा रहा है कि उन लोगों को हम नॉमिनेशन नहीं देंगे जो पोस्ट पोल वायलेंस के साथ जुड़े हुए थे, तो मतलब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, तो ये सब कुछ मिलकर जिस स्थिति में है और जिस तरह से बीजेपी सामने उभर कर आए हैं, तो सब कुछ लेकर पंचायत चुनाव में तृणमूल काफी खराब स्थिति में है। और अभी कांग्रेस और वाम मोर्चे ने इसी जगह से कुछ अपना हिस्से का फायदा लूटने की कोशिश में है, तो इसी कोशिश में इन लोगों ने भी ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की बात कहने लगे है। निखिल जी 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 जी, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस पूरे एजेंडे ने कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति को बदला है और शायद इसका असर पंचायत चुनाव पर भी हो, जैसा कि आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसन्नजीत बख्शी। और अब वक्त है देशहित का। नन्हे मुन्ने बच्चे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, तो आपको छोड़े जाते हैं नौनिहालों की इन सकारात्मक तस्वीरों के साथ जो शायद आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। आप देखिए और सोचिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।